इस बार दीपावली का पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को, इसका जवाब ज्योतिष और विद्वान परिषद दे चुके हैं। इंदौर में हुई बैठक में इस बार दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना तय किया गया है, यानी 1 नवंबर को दीपावली मनाने को लेकर ये तारीख तय हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। दीपावली की तारीख को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। दरअसल काशी के विद्वानों का कहना है कि 31 अक्टूबर को पूरे देश में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं इंदौर के धार्मिक मामलों में विद्वानों ने 31 अक्टूबर के बजाय 1 नवंबर को दीपावली मनाने का फैसला किया। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्रदेश स्तर के ज्योतिषी, प्रमुख मठ मंदिर के पुजारी और शोध अध्येताओं की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 150 विद्वानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस, 31 को नरक चतुर्दशी और 1 नवंबर को दीपावली, 2 को प्रतिप्रदा पर अन्नकूट और 3 को यम द्वितीया एवं भाई दूज मनाई जाएगी। इस वर्ष दीप पर्व को लेकर पारंपरिक और कंप्यूटराइज पंचांग आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटराइज पंचांग का मत है कि दीप पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाना चाहिए। वहीं देश भर के 150 से अधिक कंप्यूटराइज पंचांग, चित्रापक्षी अयनांश पर आधारित पंचांगों का यह मत है कि देश में 1 नवंबर शुक्रवार को दीप पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष यदि हम पंचांगों को देखें तो दोनों पंचांगों में अमावस्या तिथि 31 और 1 को प्रदोष काल में विद्यमान है। धर्मशास्त्रों का कहना है कि यदि अमावस्या तिथि प्रदोष काल में 1 घड़ी से अधिक हो, उस दिन अमावस्या तिथि मनाना चाहिए। इस वर्ष 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:53 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो शुक्रवार को सायंकाल 6:17 तक रहेगी। वहीं धर्मशास्त्रों का कहना है कि यदि अमावस्या तिथि 2 दिन तक हो तो दूसरे दिन अर्थात अमावस्या युक्त प्रतिपदा को दिवाली दीप पर्व मनाना चाहिए। धर्मशास्त्र के मतानुसार शास्त्रानुमोदित 1 नवंबर को पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दीप पर्व 1 नवंबर को क्यों मनाया जाएगा कि दीप पर्व शुक्रवार को जो सायंकाल जो है प्रदोष काल में 1 घड़ी से अधिक प्रदोष काल में दिवाली रहेगी। दूसरा मत जो है यह भी है कि उस शुक्रवार भगवती का वार है, वहीं जो है नक्षत्र की यदि हम स्थिति देखें तो उस दिन स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र को दीप पर्व के अंदर प्रशस्त माना जाता है। वहीं प्रीति योग है, यानी प्रेम सौहार्द और भाईचारे का योग है, और सायंकाल आयुष्मान योग भी है जो सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार इस वर्ष पंचदिवसीय दीप पर्व 6 दिनों का मनेगा। 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व है, यमराज के निमित्त दीपदान का पर्व है। वहीं 30 अक्टूबर को जो है यमराज के निमित्त दीपदान होगा, वहीं हनुमत जन्मोत्सव भी रात्रि काल में होगा। 31 तारीख को रूप चौदस है, अभ्यंग स्नान, तेल लगाकर पूरे शरीर पर अभ्यंग स्नान का जो है पर्व है। यदि तैले लक्ष्मीर जले गंगा दीपावल्यास चतुर्दशी को पूरे शरीर में कड़वा तेल लगाकर स्नान करने का धार्मिक महत्व है। 1 नवंबर शुक्रवार को दीप पर्व मनेगा। सायंकाल माँ महालक्ष्मी का पूजन जो है अपनी अपनी कुल परंपरा अनुसार होगा। दीप पर्व जो है प्रदोष काल में मनाने का शास्त्र आज्ञा है, शास्त्राज्ञा है। प्रदोष काल में माँ भगवती लक्ष्मी का स्तवन होगा, पूजन होगा, अर्चन होगा और
रात्रि में भी देखिए, रात्रि के अंदर ये महानिशा काल अर्धरात्रि के अंदर माँ भगवती जो है वो विचरण करती है और देखती है मेरा कहाँ स्तवन हो रहा है, पूजन हो रहा है। जहाँ माँ भगवती का स्तवन और पूजन होता है, माँ भगवती वहाँ ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है, वहाँ लक्ष्मी की कृपा जो है बरसती है। उसी के साथ शुभ जो है लग्न रात्रि के अंदर जब जब आएंगे उसमें लक्ष्मी पूजा, तो 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनेगी, और वहीं 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। निश्चित रूप से दीप पर्व पर लोगों में संशय की स्थिति थी, जो संशय की स्थिति दूर हुई और देश भर के पंचांगकार जो कंप्यूटराइज पंचांगकार हैं, आधुनिक गणना पर आधारित पंचांग हैं, वहीं भारत सरकार द्वारा भी एक जो है पंचांग जो है प्रकाशित होता है, वह पंचांग मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित होता है, और उस पंचांग की गणना के अनुसार भी भारत सरकार द्वारा देश भर में जो सभी भाषाओं में प्रकाशित होता है राष्ट्रीय पंचांग, उस पंचांग में भी 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र युग दीप पर्व मनाने का शास्त्रानु आदेश प्राप्त हमें हुआ है। सभी विद्वानों का एक मत है, सभी आचार्यों का एक मत है, किंतु कुछ एक पंचांग जो है जो पारंपरिक पंचांग हैं, जैसे जो काशी से प्रकाशित होते हैं, कुछ जोधपुर से प्रकाशित होते हैं, हैं, और कुछ एकाध पंचांग उज्जैन से भी हमारे प्रकाशित होता है, उन पंचांगों में थोड़ा भ्रम है, इससे जनता में संशय की स्थिति निर्मित हुई थी। किंतु जब विद्वान और आचार्य एक जाजम पर बैठे और उन्होंने अपने अपने धर्मशास्त्र के अनुसार मत रखे, उस मत के अनुसार 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र आयुष्मान योग में जो है दीप पर्व मनाया जाएगा, महालक्ष्मी पूजा होगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बैठक में मध्य प्रदेश ज्योतिष संगठन के अध्यक्ष आचार्य रामचंद्र शर्मा, वैदिक संस्कृत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनायक पांडे, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, रणजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी दीपेश व्यास, ज्योतिर्विद पंडित विजय अचिड़वाल, जूना गणेश मंदिर से ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी, डॉक्टर उमाशंकर पुरोहित, भागवताचार्य रुचित द्विवेदी, वैष्णव प्रभा के संपादक नारायण वैष्णव, जुगल बैरागी आशीष दुबे, कपिल शर्मा, विनीत त्रिवेदी, सिद्ध गोपाल पांडे आदि सम्मिलित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।